1946 में मुसलमानों ने जला दिया था, मुझे मुसलमान मारने को तैयार हो गए तो मैं भाग कर आया हूँ। तुम आप ऐसे मेहरबानी करें मुझ पर, क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ, गरीब पैसे को देखकर बेईमान हो जाता है। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त एक बुजुर्ग मौजूद हैं जिनका नाम मोहम्मद अयूब है और उनकी उम्र 82-83 साल है और वो यहाँ पर तकरीबन 73 साल से रह रहे हैं। इन गारों की तारीख क्या है, हम उनसे जानते हैं। मैं यहीं पैदा गांव में पैदा हुआ, 10 का साल का था तो इधर आया। इसी वक्त हिंदू थे इधर, ये हिंदुओं का मंदिर था। 1946 में मुसलमानों ने जला दिया था और वो भाग कर हमारे घर पहुँचा दो ओगनदास, जिसका बोर्ड लगा हुआ है ओगनदास का। तो वो कहता है कि मुझे मुसलमान मारने को तैयार हो गए तो मैं भाग कर आया हूँ, तुम आप ऐसे मेहरबानी करें मुझ पर, तो हमें मुझे लाल हवेली छोड़ा है। सरदारों वाला बाग, लाल हवेली, ये भी उसी की थी। लेकिन 95 में दानी साहब आए, अहमद हसन दानी, उसने रिसर्च किया, इसको बुद्धा केव करार दिया। तस्वीर मैंने देखी थी, वो जापान की सफीर को दिखाई और फिर वो आज खुद इधर 500 गोरा आया इधर, उन्होंने बुद्धा केव करार दिया। 7,60,00,000 रुपया मुझे उन्होंने ड्रा किया कि तुम बाबा इस जगह के निगरान हो और इसको बनाओ। मैंने कहा मैं पैसे नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ, गरीब पैसे को देखकर बेईमान हो जाता है। ये पैसे सभी जवानी को दिए गए थे चेयरमैन को, ये और अपना सातपुर के पैसे, ये उस किसी केस में फंस गया और वो जेल चला गया। मैं इधर निगरानी के लिए मुझे अहमद हसन दानी ने बैठाया था, उस वक्त से मैं चला आ रहा हूँ। मैं तो यही कर सकता हूँ, जो आए उसकी खिदमत करता हूँ, जो ना आए बिस्मिल्लाह अल्लाह। हाँ, इधर इन्होंने बुधा केव का मतलब गुरुद्वारा दिखाया है, वो पहाड़ की चोटी पर है और यहाँ से 4 मील लोग पैदल चलकर वहाँ जाते हैं। वो रास्ता नहीं है, पैदल जाना पड़ता है, पहाड़ की चोटी पर है वो। हाँ, जो बुधा केव है वो ऊपर है, इसके भी ऊपर है पहाड़ केव, तो वो है ना सामने, ये किला था, 9 फुट दीवार ऊंची थी, 12 दरवाजे गेट लगे हुए थे। तो ये कितनी जगह होगी, मतलब कितना इतना रकबा जगह? 8 कनाल 8 मरले, ये 16 कनाल 2 मरले बगीचा था इसका, बहुत बड़ा बाग था, वो भी CDA वालों ने तबाह किया। अच्छा, ये जैसे आप बता रहे हैं कि इसकी तारीख बहुत पुरानी है, तो क्या अभी तक ये उसी शक्ल सूरत में मौजूद है या बहुत ज्यादा तब्दीलियाँ आ चुकी हैं, क्या कितनी तब्दीलियाँ? टूट गई है साहब, कोई टूट गया, अभी तो ये खंडर है साहब, उस जगह के माहौल को बनाने नहीं देते CDA वाले। जब मैं काम करता हूँ 10-20,000-50,000 लगा देता हूँ तो लोग उखाड़ देते हैं। जब हुकूमत जापान बरतानिया पैसा देती है तो ये क्यों नहीं इसको बनाते कि एक बादशाह का डेरा है, उसे वीरान करो, तबाह करो, बर्बाद कर दो, मांगते बांधो, इंसान ना ठहरे। सिकंदर आजम जिसने दुनिया में हुकूमत की है, इंसाफ की है, वो बादशाह नहीं था, उसको बनाना नामुमकिन है इनके लिए। हसन अहमद हसन दानी को जिसकी कीमत 50,00,000 रुपया लगाई, मैंने कहा मैं नहीं लेता पैसे, ले जाओ तुम्हें चाहिए तो ले जाओ, मैं तो पत्थर की पूजा नहीं करता बात। अच्छा, यहाँ से आपको कितनी चीज़ें मिली हैं, मतलब कोई बुत वगैरह अभी भी मिलते हैं या नहीं मिलते? वो उन्होंने निकाले हैं, मुझे वही मूर्ति मिली है एक, जो मैंने अहमद हसन दानी को दिखाई थी, तो उन्होंने कहा कि ये पागल है, बेगम साहब को कहा कि ये बाबा पागल है, इसे नहीं पता किसकी कीमत क्या है। उस वक्त 50,00,000 रुपये लगाई, मुझे कहते हैं ले लो ये 50,00,000 तो ले लो, घोड़े ले लें। पानी खराब होता चला जा रहा है, कट्ठा बह गया है, कोई परवाह तक नहीं, कोई नहीं। मिलता है जी, मिलता है, मिलता है, आकर भरने के लिए पानी ले जाते हैं, ख्याल नहीं करते। अच्छा, ये जो पानी का चश्मा बह रहा था नीचे अभी, हाँ, इस पे लिखा हुआ था ये पीने का पानी है और कदीमी चश्मा है, इसकी कितनी तारीख पुरानी है? ये भी तब से ही है, 4,000 साल सिकंदर के महलों के नीचे से नहर निकाल कर हरिपुर स्वाला
से निकाल कर यहाँ पानी निकाला गया था उसके मालों के नीचे से उस दौर में। ये अमरिंदर सिंह धानी की बातें है, मैं नहीं कह रहा, मैं तो एक अनपढ़ आदमी हूँ और उस पर अमल करने वाला हूँ। जो उसने कहा है सच कहा है, वो जनरल था और सारे कदीमा का रहनुमा था, जो बात वो करता था वो सही करता था, सच है। आपने भी कभी ऐसी कोई चीज़ देखी जो मुजफ्फराबाद से यहाँ इस चश्मे के थ्रू यहाँ तक आई? ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन दो छापे मुझे हीरे मिले हैं, हीरे एक छोटा सा था, वो मैं काफ़ी अर्सा 7 साल मैंने इस्तेमाल किया, लेकिन गुम हो गया मुझे। अच्छा, इस जगह पर कितनी घरें हैं और क्या क्या चीज़ें हैं इस जगह? दो घरें दो ही हैं, ये भी मैंने बनाई है, ये 9 फुट थी, इसमें चूना था शेरशाह सूरी के ज़माने का। वो जो है वो मतलब पहले 6-7 कमरे थे इधर, उनके लोग जो बाहर से आते थे वो इधर पड़ाव करते थे, रात रह जाते थे, कई कई दिन मेला लगता था उस वक्त, उस दौर में ये मेला कराते थे यहाँ। अच्छा, ये जो दरख्त नजर आ रहे हैं जिनकी मतलब वो गहरी गहरी शाखें हैं जो लटकी हुई हैं, तो ये भी शुरू से थे या ये अब बाद में हुए? ये हुमायूं ने लगाए हैं, 923 बरस इसकी उम्र है और वो आम का बूटा है, वो भी हुमायूं ने लगाया। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं कि आप मतलब इस घर में रहते हैं जो आपने खुद बनाई है, तो आप रात में भी यहीं रहते हैं? और दिन भर रात इधर ही होता हूँ। फिर दौर साहब की अवान वजीर थी उस वक्त, वो लाहौर से आई थी, 3:30 बजे इधर पहुँची, सुबह 7 बजे रवाना हुई वापस। अभी तक ना तो CDA के है ना महकमा सारे कदीमा के, ये सिर्फ आपकी है, मतलब ये जगह हमारी है। तो यहाँ इस घर में आप अकेले रहते हैं या आपके बीवी बच्चे भी यहीं रहते हैं, तो जंगली जानवर का खतरा नहीं होता आप लोग? मुलाजम रखा हुआ है एक, मैं साथ अपने, मेरा खाने पीने का बंदोबस्त करता है, यही मुझे सामता है, क्योंकि मैं तो बीमार भी हूँ, 2 साल हो गए हैं मुझे, मुझे खालिज पड़ा है, उसके बाद मैं ठीक नहीं हुआ, लेकिन मैं यही मिट्टी पसंद करता हूँ। अच्छा, जैसे आप अपने वाले साहब का जो उन्होंने जगह दी आपको बताया इस तरीके के हवाले से कि इस तरह से, क्या आप भी अपने बच्चों को ये आगे बता रहे हैं कि ये तारीख है उनकी? बता रहा हूँ, लड़का मेरा बड़ा 2 साल मैं बीमार रहा, वो रहा, इनका भी अपना, ये जगह आपने अपने खानदान में तकसीम कर? तकसीम है 4 भाइयों पर, 2 कुनाल 2 मरले, हर आदमी हर भाई का हिस्सा है। मैंने तो दरवाजे का कहा था कि बांसों का दरवाजा लगाएं कि ये बंदर अंदर न जाए, मेरे पास 200 बंदर है, वो मुझे तंग करते हैं, खाने पीने की चीज़ें जो सामान मैं लाता हूँ वो मैं जब उधर जाता हूँ तो वो ले जाते हैं। अच्छा, वजीर आजम इमरान खान ने भी इस जगह का विजिट किया है? नहीं, इमरान ने किया नहीं, मुझसे वादा किया था, पुलिस वालों ने मेरा इंटरव्यू दिया था, उस दिन ये कहना था कि दुआ करें बाबा से कि मैं कामयाब हो जाऊँ। मैंने कहा कामयाब तो हो गए हो तुम, लेकिन अपने वादे पर पूरा उतरो, अगर ऐसे ही हाल किया जैसे पहले उन्होंने किया तो तुम्हारा असर भी यही होगा जो उनका हुआ है। ये ना समझो कि मैं इमरान हूँ तो बहुत बड़ा हूँ, बड़ा नहीं ख़त्म हो। यहाँ पर जिन्नात वगैरह भी हैं? हैं, जिन्नात इंसान को नज़र तो नहीं आते ना, हर इंसान को नहीं नज़र आते, लेकिन कई लोगों ने सवाल किया। मैंने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि हम जिन्नात को देखते हैं तो रात को आ जाओ 10 से 11 बजे आ जाओ, फिर मैं जिन्नात आपको दिखाऊंगा। हुकूमत से कोई मुतालबा है कि आप इनके मतलब कुछ बनाएं या कुछ करें? मतलब हुकूमत से मेरा मुतालबा सबसे बड़ा ये है कि अगर इस ज़मीन को गवर्नमेंट और सारे कदीमा बनाना चाहती है तो पहले मुझे बोर्ड दें और मुझे इसका इख्तियारात फुल कापी के साथ दें। जी नाजरीन, जैसा कि बाबा जी ने बताया कि इन गारों की तारीख बहुत ज़्यादा कदीम है, लेकिन हमें चाहिए कि अपनी नौजवान नस्ल को इन गारों की तारीख के बारे में बताएं और इस कीमती असासे को महफूज करें। कैमरामैन अहमद ख़ान के साथ रुकैया नईम और साफ डिजिटल इस्लामाबाद।